परसों की ऑल पार्टी मीटिंग में ये तय किया गया था कि जन लोकपाल बिल को पूरी तवज्जह देते हुए एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल विधेयक संसद से पारित किया जाएगा। उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए कल प्रधानमंत्री ने करप्शन की डिबेट का जवाब देते हुए इस विषय को उठाया और अन्ना से अनशन त्यागने की अपील भी की और हम एक प्रभावी लोकपाल लेकर आएंगे इसका आश्वासन भी दिया। उनकी अपील को सदन की अपील बनाते हुए मैंने स्वयं विपक्ष के तरफ से अपने आप को संबद्ध किया और कहा कि ये सदन प्रतिबद्ध है एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल बिल लाने के लिए। इस पूरी घटना के बाद हम इस इंतजार में थे कि सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच में जो बात चल रही है उसमें से सरकार कोई मोशन कोई रेजोल्यूशन तय करेगी आज लाने के लिए। मुझे दुख है आपको ये बताते हुए कि सरकार ने तो अपनी ओर से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन हमने 4-5 बार सरकार से संपर्क किया ये जानने के लिए कि क्या कोई मोशन बना है या कोई रेजोल्यूशन के फॉर्म में वो ला रहे हैं, क्या तय किया है उन्होंने। आखिरी बात रात के 11:30 बजे हुई, तब भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार कुछ भी अभी तक तय नहीं कर पाई है। सुबह उठकर फिर 8 बजे बात की, 10 बजे बात की, उन्होंने कहा कि वो कुछ भी तय नहीं कर पाए हैं। करीब 10:30 बजे उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि 193 के नोटिसेस सब तरफ से ले लिए जाएं और उस पर एक चर्चा करा ली जाए। मेरी गुरदास दास गुप्ता जी से बात हुई, वासुदेव आचार्य से बात हुई, शरद यादव से बात हुई, तो हमें लगा कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जो मोशन सरकार को लाना चाहिए, जो पहल सरकार को करनी चाहिए, वो मेंबर्स के कंधों पर क्यों डाल रही है उसको। तो वहां गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा कि कल इफ्तार मीटिंग में, इफ्तार पार्टी में वो ये सजेशन दे चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट करा दो, उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन हम नोटिस क्यों दें? आपस में आपकी क्या बातचीत चल रही है वो हमें नहीं मालूम, क्या आपने तय किया है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि इस मोशन के पीछे का लक्ष्य अन्ना का अनशन तोड़वाना है। तो अन्ना अनशन उसी पर तोड़ेंगे जब एक म्यूचुअली अग्रीड ड्राफ्ट सरकार और उनके बीच में बनेगा। मेंबर को क्या मालूम, मेंबर को थोड़ा ही पता है कि बात क्या हो रही है। तो मेंबर द्वारा दिए हुए किसी भी मोशन पर कोई भी जनरल चर्चा हो जाए, इस पर अनशन थोड़ी टूटेगा। अगर अनशन तोड़वाना लक्ष्य है तो म्यूचुअली अग्रीड ड्राफ्ट पर ही टूटेगा। और कभी विलासराव देशमुख बुलाए जा रहे हैं, कभी संदीप दीक्षित जा रहे हैं, कभी सलमान खुर्शीद से बात हो रही है, तो इस सब के लिए तो वी वर नॉट प्रिवी टू दोज डायलॉग्स, तो हम अपनी ओर से कैसे कोई नोटिस देंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम तो कोई नोटिस नहीं देंगे, हाँ सरकार की तरफ से कोई मोशन आए दोबारा से हम उनको कहेंगे कि या तो प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आए या अपनी ओर से आप कोई मोशन रखें। तो इसी बीच में पवन बंसल जी की बात है कि ये जो नोटिसेस हम ले भी रहे हैं हम इस पे चर्चा मंडे को कराएंगे। कल प्रणब मुखर्जी यहाँ नहीं है, वो शिंदे जी के साथ किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, वैसे भी शनिवार है, लोग कम होंगे, तो हम लोग चर्चा मंडे को कराएंगे, आज चर्चा नहीं होगी। तो हमको लगा कि शायद सरकार अभी भी कोई मोशन तय नहीं कर पा रही है। इसी बीच में स्पीकर साहब ने ऊपर से पढ़ दिया कि कुछ नोटिसेस अंडर 193 उनके पास आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि दे आर अंडर माई कंसिडरेशन। तो हमें लगा कि ठीक है, सरकार उनसे भी बात कर रही होगी। मित्रों, टू आर अटर सरप्राइज 2:10 पर मुझे एक फोन आता है के 2:15 बजे संदीप दीक्षित के जन लोकपाल बिल पर चर्चा प्रारंभ होने वाली। हम लोग अवाक रह गए,
मैं अपने कमरे में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठी थी। सीपी जोशी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम लोग उनके साथ बैठे हुए। बाकी के तमाम साथी जा चुके थे, शरद यादव चले गए थे, गुरदास दास गुप्ता चले गए थे, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि वी वर गिवन द इम्प्रेशन कि अभी तक सरकार इस पर कुछ तय नहीं कर पाई, स्पीकर ने अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया। 2:10 पे आप फोन करते हैं कि 2:15 पे संदीप दीक्षित के एक नोटिस पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। इतना बड़ा विषय, इतना संजीदा विषय, उस पर इतने कैजुअल ढंग से निर्णय और इतने कैजुअल ढंग से चर्चा, और 3:30 से प्राइवेट मेंबर शुरू होने वाला है। 2:15 से 3:30 के बीच में 1.25 घंटे एक कैजुअल चर्चा करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश में? तो हमने तुरंत जाकर के स्पीकर से कहा कि आपने कोई ऐसा निर्णय किया है? उन्होंने कहा किया। किससे पूछ के किया? किसको विश्वास में लिया? तब इस तरह सदन चलेगा क्या? सुबह 00:00 में बिना किसी नोटिस के आप राहुल गांधी को समय दे देती हैं, 15 मिनट वो वहां खड़े होकर प्रवचन करते हैं, सरमंस देते हैं सबको। 2:10 हमें खबर आती कि 2:15 पे चर्चा शुरू हो जाएगी, कैसे संदीप दीक्षित का नोटिस लिया गया। वहां हरसिमरत बादल ने विषय उठाया कि अगर मेंबर का ही ने वो लेना था नोटिस, तो उनका नोटिस कहीं पहले का है, शैलेंद्र कुमार का नोटिस 1 दिन पहले का है, कैसे वो नोटिस चुन लिया गया, कैसे उस पर चर्चा हो गई। ये सारी बातें सुनने के बाद स्पीकर को लगा कि उन्हें बात करने की जरूरत है। इसी बीच में जब हमें लगा कि सरकार की ओर से कोई मोशन आ नहीं रहा और ये कोई 193 थोपने वाले हैं, तो हम दोनों नेता प्रत्यक्ष बैठे और हम लोगों को लगा कि अब ये चर्चा प्रभावी सशक्त लोकपाल, प्रभावी सशक्त लोकपाल, इस एम्बिग्विटी से निकल करके स्पेसिफिक्स पर आनी चाहिए। कौन सा लोकपाल सशक्त होगा, कौन सा लोकपाल प्रभावी होगा? तो हमने 184 का एक मोशन बनाया, जो 167 में जो इक्विवेलेंट रूल राज्यसभा का है उसमें अरुण जी के नाम से दिया गया और इधर मेरे नाम से दिया गया। केवल हम जन लोकपाल के साथ हैं तो कौन से जन लोकपाल के साथ हैं, अगर आप किसी और बिल के साथ हैं तो उसकी कौन सी धारा के साथ हैं, मानते हैं कौन से लोकपाल को प्रभावी लोकपाल मानते हैं, तो उसमें सारी चीजें बहुत स्पष्ट करते हुए, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम लोग दे रहे हैं, आपको दे दिया, जिसमें आपने लिखा कि हमने बहुत ही क्लियर इसमें किया कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में होने चाहिए, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के 2 अपवाद के साथ, जुडिशियरी डायरेक्ट लोकपाल में ना आकर के एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जिससे जुडिशियरी की अकाउंटेबिलिटी बने, MPs का बाहर का आचरण इसके नीचे आना चाहिए क्योंकि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी आते हैं, लोअर ब्यूरोक्रेसी जो सबसे ज्यादा जिससे लोग तंग रहते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार तो लोगों को महंगाई वगैरह के तौर पर तंग करता है, देश की साख गिराता है, लेकिन नीचे की आदमी तो लोअर ब्यूरोक्रेसी के साथ उसको उस भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से एक मॉडल बिल ऐसा बन जाए जो कि राज्यों में भी उस तरह का लोकायुक्त ला सके। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जैसा हमने मध्य प्रदेश और बिहार में बनाया है बिल, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, जहाँ एफिशिएंसी सुनिश्चित की जाए, ये तमाम स्पेसिफिक्स रख करके एक मोशन हमने 184 का दिया। तो हमने उनसे कहा कि आप इस मोशन को स्वीकार कर लीजिए और इसके ऊपर बहस कराइए ताकि पता चले कौन साथ है कौन खिलाफ, क्योंकि 184 में वोटिंग होती है। और या फिर हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया, जो गुरदास जी ने वहां कहा था, कि या फिर सरकार अपनी ओर से प्रधानमंत्री या नेता सदन एक स्टेटमेंट लेकर आए, उस पर चर्चा हो। तो ये दोनों बातें हमने आज की बैठक में अभी उनके सामने रखी है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वहां आ गए थे, उनको स्पीकर ने बता दिया कि ये दो बातें सामने आई हैं कि या तो ये नोटिस 184 के नीचे जो हमने दिया है, इस नोटिस को आप स्वीकार करिए और इस पर चर्चा कराइए ताकि स्पेसिफिक्स पर चर्चा हो, हर पार्टी अपना पक्ष क्या है, इसके पक्ष में है, विरोध में है, किस धारा के पक्ष में है, किस प्रावधान के विरोध में है, कल बता सके, और नहीं तो सरकार को जो पहल करनी चाहिए थी, जिसका इंतजार हम कल रात तक कर रहे थे, बल्कि आज सुबह तक भी कर रहे थे, ऐसा सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए जो कि आप उनसे बात करके जिस पर वो अग्री होंगे, या आप जैसा भी लाना चाहें उस स्टेटमेंट पर हम चर्चा करेंगे, तब तो वो आशय पूरा होगा
जिसके लिए कल प्रधानमंत्री ने अपील की थी और सदन ने भी अपील की थी, और वरना एक जर्नलिस्टिक चर्चा करा के, वो भी एक नोटिस उठा के और उस पर चर्चा करा के, उससे कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली। इसलिए अभी ऑल पार्टी मीटिंग में से हम लोग उठकर आए हैं और ये दो बातें उनको कह के आए हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है विल गेट बैक टू यू, हम बात करके बताएंगे। वो बात करके क्या बताएंगे, अगर कोई चीज़ जल्दी पता चल जाएगी तो हम आपको उसका भी जानकारी दे देंगे, या शायद सरकार की तरफ से आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी।